अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा एक रियल टाइम वीडियो, एक यूट्यूब वीडियो। जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, सामने स्क्रीन चल रही है और साइड पे जो है एक मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, और लैपटॉप स्क्रीन एक साइड पे चल रही है और एक साइड पे जो है कैम वीडियो चल रही है, राइट। इस तरह की एक वीडियो मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाऊंगा वीएन के अंदर। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये हम एडिट कर पाएंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, सिंपल सेम आपको उसी तरह से कुछ इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे मेरे पास क्या है जो है वॉइस रिकॉर्डिंग है या कैम रिकॉर्डिंग है, राइट। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा इस टाइमलाइन के ऊपर जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टाइमलाइन पे मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक वीडियो है जो है, और इसको मैं लेके आऊँगा इसके ऊपर वाली लेयर पे, एग्जैक्टली ऊपर वाली लेयर पे इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे देखें ये वीडियो आ चुकी है। अब एक वीडियो बैकग्राउंड के ऊपर है, एक वीडियो फ्रंट ग्राउंड के ऊपर है। अब क्या करना है आपको, जो भी कट करने हैं इसके अंदर, कोई भी चीज़ें कट इट करनी है, लेट्स सपोज मुझे ये वीडियो यहाँ से कट करनी है और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और सिंपल मैं इसको, ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से इस तरह से ट्रिम करके डिलीट कर दूंगा। और अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये सेकेंड वीडियो अपनी ले आऊँगा और इसको मैं यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर लूँगा। ये इसको भी मुझे कट आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको स्प्लिट करके ये वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कुछ इस तरह से ले आऊँगा। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि ये दोनों वीडियोस मैंने बेसिकली रैंडम सिर्फ उठाई हैं, तो आप इनको आपकी वीडियो, आपकी जो ओरिजिनल वीडियो आप वो यूज़ करोगे, राइट। अब इस वाले सेक्शन को मुझे एडिट करना है, ये जो फ्रंट के ऊपर, अब कुछ इस तरह से देखें हमारे जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो अच्छे से नज़र नहीं आ रही, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा मास्क का। तो सिंपल इस वाली वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करके जो मैंने मास्क करनी है, और मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ चुके हैं। इसको मुझे सर्कल के अंदर करना है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सर्कल है, इसको मुझे मज़ीद बड़ा करना है, तो इस तरह से मैं इसको कर पाऊँगा, राइट। और अगर मुझे कोई और शेप चाहिए उसके अंदर मैं इसको सेटिंग करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे सर्कल चाहिए तो, और ये सर्कल आ गया, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लूँगा, छोटा कर लूँगा और मास्क के ऊपर मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर लूँगा। मास्क पे क्लिक करके मैं इसको एडजस्ट कर लिया और इसको मैंने उठा के इधर साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे देखें अगर मैं दोनों वीडियोस को चलाऊं तो कुछ इस तरह से मेरे पास वो स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो, जो वो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो भी चल रही है और यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसा कि ये वीडियो आप मेरे देख रहे हैं। तो ये चीज़ें होगी। अब इसके साथ साथ आपको कुछ बटन्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, सब्सक्राइब ना हो के और ये सारे, तो वो आप क्या करोगे, सिंपल आप गूगल के ऊपर जाओगे और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लाइक वीडियो या सब्सक्राइब वीडियो इस तरह से आप लिखोगे तो आपको डिफरेंट क्या मिल जाएंगी, ग्रीन स्क्रीन मिल जाएंगी। देखें यहाँ पे ये मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन है, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल डाउनलोड करूँगा। जिस चीज़ की भी आपको ग्रीन स्क्रीन चाहिए उसको आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। आई थिंक ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं अपने एडिटर के ऊपर वापस चलता हूँ और यहाँ पे देखें इसके ऊपर मैं अगेन क्लिक करूँगा और यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले उसको इम्पोर्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया इम्पोर्ट और यहाँ पे देखें ये ग्रीन स्क्रीन आ गई, इसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। इसको अगेन उठा के इसके ऊपर रख दूँगा मैं इस वीडियो के, तो यहाँ पे देखें ये वीडियो आ गई। अब मुझे क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ और फिर मुझे इसको, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये सब्सक्राइब बटन है ये इस वाली जगह के ऊपर आए, ठीक है। ये वाला सेटअप हो गया। अब मुझे ये ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट है रिमूव करना है, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए क्रोमा का, वापस स्टॉक के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्रोमा का, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा
इस तरह से, तो देखें वो ग्रीन स्क्रीन वाला जो ग्रीन जितना भी पार्ट था वो रिमूव हो चुका है। अब देखें कुछ इस तरह से, और ये मेरे पास मेरी वीडियो आ चुकी है। तो इसको मैं जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहूँ इसको मैं क्लिक करूँगा, और इसको मैं जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहूँ कुछ इस तरह से एडजस्ट कर पाऊँगा। जैसे मुझे ये लाइक बटन, और इस यहाँ पे चाहिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे ये यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहूँ। अब देखें ये इस तरह से शो होगा, यहाँ पे देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट उसी तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से उठा के क्या कर सकता हूँ, नीचे की तरफ रख सकता हूँ, जहाँ पे भी मैं रखना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अगेन इस पर मैं प्ले करता हूँ, तो इस तरह से वो लाइक एंड स्क्रीन वाला आएगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, सिंपली जो है अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल अपने YouTube के लिए, अगर आपका कुछ इस तरह से सीन है तो। अब मुझे, मैं मज़ीद इस वाली वीडियो को थोड़ा सा और एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसके अंदर अगर डिफरेंट कलर्स ऐड करना चाहूँ, मैंने अपना जो है ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है, तो ये अब ब्लैक एंड वाइट ही चलेगा इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आएगा किस तरह से आप एक सिंपली सिर्फ यूट्यूब के लिए एक वीडियो एडिट कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी, एक्सपोर्ट करना मैं आप लोगों को यहाँ पे भूल गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे सिंपल एक्सपोर्ट के ऊपर, ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करोगे कि कहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, सेव करना चाह रहे हो। सिंपल एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी इसी सारे फॉर्मेट के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।